वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज आपका जो थर्ड चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो जो ग्लोबल एंटरप्राइज है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज है उसके एमसीक्यूज करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश ए डिपार्टमेंट विच इज़ कंसिडर एज एन एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री इट्सेल्फ। द गवर्नमेंट परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन through it and the activities performed by it are an integral part of the functioning of the government. It has not been constituted as autonomous or independent institute, and as it is not an independent legal entity, it acts through the officers of the government and its employees are government employees. देखिए बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, और गवर्नमेंट की जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो इसको कंट्रोल करती है, और उसके द्वारा इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड टू एस्टेब्लिश ए पब्लिक एंटरप्राइज विच विल बी ब्रॉट इनटू एक्सटेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट्स पावर एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी डिफाइंड बाय द एक्ट। इट विल बी कंसिडर एज ए कॉरपोरेट बॉडी हैविंग द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपने पब्लिक कॉरपोरेशन यानी जो स्टेचरी कॉरपोरेशन है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टेचरी कॉरपोरेशन। तीसरा पॉइंट देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हेल्ड दर पेड अप कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड to be extents of 26% and 25% respectively. From the contribution of capital in the company, it is clear that the government exercise control over the paid up capital of the company. तो देखिए, जिस कंपनी में 51% शेयर इसका होता है, तो यहाँ 26 + 25, 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का शेयर है, इसलिए इस प्रकार की कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ए हाईवे नियर दिल्ली इज कंस्ट्रक्टेड बाय कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड इन दिस 135 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। Land has been provided by the government and surface has been laid out by the company. अब देखिए, जो भी हाईवे रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है 3P के नाम से जिसको जानते हैं उनके द्वारा होता है। तो इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है और जो प्राइवेट पार्टनर्स प्राइवेट पब्लिक होती है उनका भी शेयर होता है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके द्वारा इस प्रकार के बिजनेस ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो प्राइवेट एंटरप्राइज का फॉर्म नहीं है। ए प्राइवेट कंपनी इज रिलेटेड विद, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड होती है। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट में आते हैं, और जो मिक्स सेक्टर होते हैं उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का होता है और कुछ शेयर किसका होता है, पब्लिक का होता है। ए पब्लिक कंपनी द यूनिट ऑफ पब्लिक सेक्टर आर नोन एज स्टेट एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, और हम इसको क्या कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव, तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं। इंडियन रेलवे इज द एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का होता है, क्योंकि रेलवे का अलग डिपार्टमेंट होता है और जो कंसर्न रेलवे मिनिस्टर होता है वो इसका इंचार्ज होता है। Which of the following industry is not reserved for public sector? Atomic energy, sugar industry, arms, rail transport. तो जो sugar industries है वो आपकी public sector के लिए reserved नहीं है। 11, 12, 13, 14 ये multinational company के हैं, global enterprise के वो आपके syllabus में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हेन टू बिजनेस एंटरप्राइज एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल गेन, तो जब कोई भी दो बिजनेस इंक्लूड होते हैं तो उनको हम ज्वाइंट वेंचर बिजनेस बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाई गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन 51%, 51% से कम नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट का शेयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। पीएससी आर ऑर्गेनाइज बाई, पीएससी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट एंटरप्राइज और गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है पीएससी ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन अप बाई, जो सिख यूनिट हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनको प्रॉफिटेबल बनाना है, वो रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया जाता है, BIFR, जो सी आंसर है BIFR। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी इम्प्लीज, आप देखिए पीएससी में डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप कोई सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उस सिक्योरिटी को आपने सेल कर दिया है, तो सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को आपने इक्विटी शेयर जो है वो सेल्स कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फिर आपका मल्टीनेशनल कंपनी का है तो ये नहीं करना है। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चन है, फूड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन किस में आता है, पब्लिक कॉरपोरेशन में आता है। पीएससी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, गवर्नमेंट के द्वारा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद द कमिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट विद द कमिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है तो इंक्रीज लिखोगे, लेकिन 4/5 आपके सिलेबस में नहीं है, 4 इसका आपने 1-3 करना है। ओके स्टूडेंट्स।